नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि जहाँ एक ओर इतने सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, वहीं दूसरी ओर शनि देव 4 जून से वक्री होने वाले हैं और बृहस्पति देव भी जुलाई के अंत से वक्री होने वाले हैं। दोनों लगभग अक्टूबर नवंबर तक के लिए वक्री होंगे, तो काफ़ी लंबे समय के लिए दोनों ग्रह वक्री होंगे और इस वक्रत्व का देश की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की विवेचना करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शपथ ग्रहण की कुंडली है उसमें वृश्चिक लग्न है। ये कुंडली आप देखिए, वृश्चिक लग्न है और लग्न का स्वामी मंगल राहु के साथ अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। अपने आप में ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि लग्नेश राहु के साथ पीड़ित होके अष्टम में होना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये कुछ संकट को दर्शाता है। अच्छी बात इस कुंडली में ये है कि लग्न में बृहस्पति हैं जो कि योगकारक ग्रह होते हैं और वो दशम भाव यानी कि राज्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से सात्विक दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य और बुध जैसा कि आप देख सकते हैं सप्तम भाव में विराजमान हैं। सूर्य देव को बृहस्पति देख रहे हैं, बृहस्पति को सूर्य देव देख रहे हैं। सरकार को स्टेबल और एक अच्छी सरकार बनाने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी वो दिखाई दे रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन चूंकि लग्नेश अष्टम में है तो कोई हेल्थ इश्यू आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए, उस तरह का खतरा ये जरूर बना सकते हैं राहु के साथ मंगल का होना। अब इसमें वर्ष कुंडली दोस्तों आप देखिए, ये जो 30 मई 2022 की वर्ष कुंडली वहाँ से एक साल की बनती है उसकी हम बात कर रहे हैं। ये कुंडली आप देखिए जो कि कन्या लग्न की कुंडली बनती है और इसमें राहु पुनः अष्टम स्थान में है, शुक्र के साथ गुरु मंगल सप्तम स्थान में है, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु स्वग्रही हैं, सप्तम स्थान के मालिक, छठवें के मालिक शनि भी स्वग्रही हैं, लेकिन वहाँ पर मुंथा की स्थिति है। वर्ष कुंडली में जो लोग ज्योतिष के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, वो उन्होंने शायद मुंथा का नाम नहीं सुना होगा। तो मैं बता दूं कि मुंथा जो है वर्ष कुंडली की विवेचना में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और मुंथा की जहाँ स्थिति रहती है सारे वर्ष में ग्रहों की परिस्थितियाँ उसी आधार पर होती हैं, वैसा ही फल मिलता है, ऐसी ज्योतिष में मान्यता, ऐसा सिद्धांत है। तो मुंथा की छठवें भाव में स्थिति जो है दोस्तों वो अच्छे परिणाम नहीं लाती और मुंथा का छठवें भाव में बैठना ये बताता है कि कहीं ना कहीं रोग से परेशानी हो सकती है। साथ ही कहीं ना कहीं परिवार में टूट फूट और शत्रु पक्ष हावी रहता है, क्योंकि छठवां स्थान माफ कीजिएगा छठवां स्थान शत्रु का स्थान है और वहाँ मुंथा का होना बताता है कि शत्रु हावी रहेंगे, कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की समस्या आपको रह सकती है और परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रह सकती हैं जैसे आपस में विरोधाभास होना या परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होना। परिवार में इस तरह की स्थितियों से आप परेशान रहते हैं और साथ ही आर्थिक स्थिति पे भी इसका ऋणात्मक दृष्टिकोण पड़ता है और लोन्स यानी कि कर्ज बढ़ जाता है, क्योंकि छठवां भाव एक्टिवेट हो जाता है मुंथा के छठवें भाव में बैठने से, तो ऋण बढ़ जाते हैं, रोग बढ़ जाते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं और शत्रु प्रभावी हो जाते हैं। अब इस वर्ष कुंडली में सरकार के लिए चूँकि मुंथा छठवें भाव में है तो
हम एक वर्ष के इस कार्यकाल में यानी कि 30 मई 2022 से 30 मई 2023 की बात मैं दोस्तों कर रहा हूँ। इस दरमियान हमको देखने को मिलेगा कि शत्रु यानी कि जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग होता हुआ या वो सरकार को परेशान करता हुआ नजर आएगा। स्ट्रांग हो या ना हो, क्योंकि स्ट्रांग होने की स्थिति तो फिलहाल दिखाई नहीं देती, लेकिन सरकार को उनको कुछ ऐसे मुद्दे मिलते रह सकते हैं या मुद्दे वो बना सकते हैं जिससे वो सरकार को परेशान करने में सफल रहें। पहला, वर्ष 2023 मई से 24 मई का जो समय रहेगा, जिस समय चुनाव भी होंगे, उसकी भी विवेचना हमने की और उसमें मुंथा की स्थिति पांचवें भाव में है, जिसका फल बहुत ही सुखद और सकारात्मक है। तो इसका मतलब है कि मई 2023 तक सरकार को थोड़ी दिक्कत होगी, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी, लेकिन मई 2023 से मई 2024 का जो समय है वो उसको मैनेज करने में, मेकअप करने में कहीं ना कहीं सफल रहेंगे अच्छे से। और शनि की जो अंतरदशा भी है, चंद्र में शनि की अंतरदशा, वो भी 15 फरवरी 2024 तक है और 15 फरवरी 2024 तक के बाद पुनः उनको भाजपा को जो परेशानियां थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी पूरी तरह से। तो इसका हम एक आकलन ये निकाल सकते हैं कि जो कई राज्यों के चुनाव 2023 में होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ अपेक्षित सफलता में कमी हो सकती है, लेकिन 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें निश्चित रूप से उन्हें पुनः सफलता प्राप्त होने के बहुत स्ट्रांग योग हमको दिखाई देते हैं। तो हमने पहले के भी अपने वीडियोस में कहा था कि एक सी चेंज हम कांग्रेस में हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है पार्टी में कुछ टूटन भी हो। 14 सितंबर 2022 से ये शुरू हो जाएगा और चूंकि राहु है तो कहीं ना कहीं राजनैतिक रूप से काफ़ी उलटफेर हमको दिखाई देते हैं कांग्रेस की कुंडली के हिसाब से भी। और लग्न का स्वामी गुरु वक्री अभी तो लग्न में ही आ गया और राहु केतु एक्सिस में आ गया है, तो पूर्ण रूप से पार्टी में विघटन या पार्टी में कुछ बड़ा चेंज, सिर्फ विघटन ही नहीं होता चूँकि लग्नेश लग्न में बैठे हुए हैं इसलिए बड़ा चेंज भी हो सकता है, ये निश्चित रूप से इंडिकेट कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। ये जो एक साल का समय है जब गुरु 13 अप्रैल को आए हैं और 13 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेंगे, ये समय इनको पूरा यूज़ करना चाहिए अगर ये कुछ आगे करना चाहते हैं तो। और तो कांग्रेस के लिए भी दोस्तों बड़े परिवर्तन का समय, भाजपा के लिए समय परिवर्तन वाला है। तो कुल मिला के आने वाले समय में हम बड़े परिवर्तन होते हुए या बड़ी राजनीतिक गतिविधियां होते हुए देखेंगे। लगभग इस एक वर्ष के समय सारी बातों को देखते हुए हमें लगता है कि ये जो एक वर्ष का समय है, इस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के स्वास्थ्य सुरक्षा इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ भी ठीक से सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। सहयोगियों से कुछ टूट फूट की स्थिति बन सकती है और अपनी पार्टी में भी कोई फैक्शन, कुछ लोग पार्टी से नाराजगी दिखा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी को रखना चाहिए, विशेष करके स्वास्थ्य वाला जो एंगल है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां महादशा गड़बड़ है, अंतरदशा, वहीं दूसरी ओर मुंथा की स्थिति भी बता रही है कि स्वास्थ्य पर संकट। प्रधानमंत्री जी की जो जन्म पत्रिका है उसके आधार पर मंगल में राहु का अंतर उनका प्रारंभ हो गया है, मंगल में मंगल की अंतरदशा जो है अप्रैल तक रही,
अब मई से उनका मंगल में राहु शुरू हो गया और उनकी पत्रिका में चूँकि मंगल लग्नेश राशिश हैं और राहु पंचम स्थान में हालांकि अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो मोदी जी को कोई चूँकि बृहस्पति भी मीन राशि में बैठे हुए हैं तो कोई बड़ा सम्मान वगैरह जरूर दिला सकते हैं, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे कोई बड़ा सम्मान जरूर उनको मिलना हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों ये बातें थी राजनीति की, आशा है आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। वो लोग जो पहली बार आए हैं या वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग भी प्रमोट कीजिए दूसरों को, जो आपके मित्र हमारा चैनल देखते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।